हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मनमोहन। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये RGB रिमोट कंट्रोल सर्किट का यूज़ करके एक होम ऑटोमेशन प्रोडक्ट बनाना सिखाऊंगा। देखिए, ये एक 12 वोल्ट का अडेप्टर है जिससे हम इसे पावर देते हैं, और इसका IR सेंसर है जिसपे हम रिमोट की मदद से इसे ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें देखिए, यहाँ पर ये चार वायर्स का कनेक्टर है जो कि 12 वोल्ट का आउटपुट देता है, जिसपे हम RGB LED स्ट्रिप लगाते हैं। ठीक है, हम इससे जो है 12 वोल्ट की जो रिलेज है इनको ऑपरेट करना सीखेंगे। ठीक है, देखिए मैं जूम इन करके बताता हूँ। इस रिले का रेटिंग आप देख सकते हैं, ऊपर लिखा हुआ DC 12 वोल्ट। ठीक है, और ये 250 वोल्ट के लोड को, 10 एम्पियर तक के लोड को ये जो है इससे कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, तो 12 वोल्ट की ये हमारी रिले है जो 220 वोल्ट 10 एम्पियर तक के लोड को ऑपरेट कर लेगी। ये हमारा अडेप्टर है, अडेप्टर की रेटिंग आप देख सकते हैं। ये अडेप्टर हमारा 12 वोल्ट 2 एम्पियर का है। ओके, तो इसका यूज़ करके हम एक होम ऑटोमेशन सर्किट बनाएंगे। ठीक है, देखिए बहुत ही सिंपली बन जाएगा ये। चलिए, ये जो हमारा RGB रिमोट कंट्रोल सर्किट है, जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत ही चीप सर्किट है ये। एक लगभग जो है आपको 100 रुपीज़ में मिल जाएगा। ठीक है, इसका एक 4 पिन का कनेक्टर है जो 12 वोल्ट आउटपुट देता है। इसमें जो वाइट वाला वायर है वो कॉमन है, और बाकी तीनों जो वायर है या तो पॉजिटिव आउट करेंगे या नेगेटिव। ठीक है, दोनों ही केस में चाहे वो पॉजिटिव आउट करें या नेगेटिव, हम अपनी रिले को कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है, तो एक बार इसे हम चला के देखते हैं। इस अडेप्टर से इसको पावर देकर हम देखते हैं इसमें RGB LED स्ट्रिप लगाकर देखेंगे। ठीक है, तो देखिए बहुत ही सिंपल है, ये RGB LED स्ट्रिप इसके साथ आती है। इसको मैं यहाँ पर इस कनेक्टर को लगा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमें रिमोट कंट्रोल सर्किट टेस्ट तो करना पड़ेगा ना कि ये वर्किंग है या नहीं, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। ओके, तो इसे हमने यहाँ पर कनेक्ट किया और यहाँ पर 12 वोल्ट का सप्लाई दिया। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर जैसे ही ऑन करते तो 1 बाय 1 हर एक कलर फ्लैश करता है। यहाँ रिमोट में अगर हम रेड कलर का बटन दबाते तो रेड कलर चलेगी, ग्रीन दबाने पर ग्रीन कलर, और ब्लू दबाने पर ब्लू कलर की LEDs जलेगी। ठीक है, व्हाइट दबाने पर सारे कलर ग्लो होंगे, मतलब सारी रिलेज ऑन हो जाएगी। ठीक है, दो कलर का कॉम्बिनेशन चाहिए तो नीचे येलो और ये डीप ब्लू ग्रीन और पिंक कलर दबाने पर हमें दो दो के कॉम्बिनेशन मिलेंगे, सारे दबाने हो तो वाइट। ठीक है, चलिए, ऑन ऑफ का बटन भी है इसमें जिससे हम इसे पूरे को ऑन और ऑफ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे कॉम्बिनेशन में कैसे रिलेज चलेगी हम ये आप देखेंगे, बिल्कुल अभी आपको बनाकर पूरा बताएंगे। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, कमेंट करेंगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, अभी मैं डिसकनेक्ट करता हूँ यहाँ से, और ये जो चार वायर आप देख रहे हैं ना, सोल्डरिंग वायर की मदद से इस पर जो कनेक्टर लगा हुआ है इसे हम निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए इन चारों को हम पहले निकाल लेते हैं। सोल्डरिंग आयरन हम लगाएंगे और इन चारों वायर्स को अलग करेंगे। इनमें वाइट वाला जो है वो कॉमन है, डजेंट मैटर वो वाइट वाला पॉजिटिव है या नेगेटिव, क्योंकि मान लीजिए अगर वाइट वाला पॉजिटिव है तो ये तीनों बाकी नेगेटिव होंगे। ओके, तो हम ऐसा ही मान लेते हैं, वाइट जो है पॉजिटिव है और बाकी तीनों नेगेटिव है। ओके, इसी को मानकर हम जो है इसकी वायरिंग कर लेंगे। वैसे अगर वाइट वाला नेगेटिव भी होता है और ये सारे पॉजिटिव भी होते हैं तो भी हमारा सर्किट इसी तरह से बनेगा जैसे हम बना रहे हैं। ठीक है, वैसे अगर आपको क्लियर करना हो वाइट नेगेटिव है या पॉजिटिव, तो आप मल्टीमीटर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये हमारी तीन रिलेज है जो 12 वोल्ट की, डेफिनेटली मैंने बताया है आपको, तो इन तीनों को हम जो है इस तरह से यहाँ पर चिपका लेंगे आपस में। ठीक है, ताकि जो है इधर से इधर मूव ना करे और हमारे वायरिंग को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना बनाए। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इन दोनों के बीच में डबल साइडेड टेप लगाएंगे और इनको चिपका लेंगे। तो ये हमने डबल साइडेड टेप का छोटा सा टुकड़ा यहाँ पर लिया है और इसको यहाँ पर चिपका देते हैं। ओके, और बहुत ही आसानी से इसका जो है दूसरा लेयर साफ़ करके हम यहाँ पर ये रिले चिपका देते हैं। चलिए, दो रिलेज हैं यहाँ पर, ये चिपक गई है। ठीक है, चिपकाते वक्त ध्यान रखिएगा इन तीनों रिले के NCOC एक तरफ होने चाहिए और इनकी जो कॉइल है और पोल है वो एक तरफ होना चाहिए। आप देखिए, तो ये हमने दूसरा वाला डबल साइडेड टेप लगाया, इसका लेयर हटाकर एक और रिले यहाँ पर हमने चिपका दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है ये चारों रिले जो है तीनों रिले चिपका चुके हैं। ओके, तो 3 चैनल का हमारा ये रिमोट कंट्रोल सर्किट टोटल बनेगा, और डेफिनेटली रिले की रेटिंग हाई है, 10 एम्पियर तक का लोड ये ले लेगी। तो हम कोई भी इससे जो है AC अप्लायंस को कंट्रोल कर पाएंगे रिमोट से। ओके, अभी देखिए यहाँ पर ये जो तीन कलर है ना, ये इन तीनों रिले के इस एंड पर लगेगा। ठीक है, देखिए एक ही तरफ लगाएंगे हम, मैं बता देता हूँ कहाँ पर लगा रहे हैं। तो ये जो है जहाँ पर मैं अभी सोल्डर कर रहा हूँ, ये इसके जो है
रिले का पॉइंट है, सॉरी नॉट रिले, अंदर जो कॉइल है उस कॉइल का पॉइंट है, ठीक है। इस रिले की जो कॉइल है वो यहाँ से ऑपरेट होती है, तो यहाँ पर एक ब्लू वाला वायर मैंने रखा है, ठीक है। तो बीच वाले रिले का भी जो करस्पोंडिंग एंड है इसके ऊपर हम यहाँ पर रेड लगा देंगे, ठीक है। यहाँ जिस सिक्वेंस में ये वायर लगे हुए हैं ऐसे सिक्वेंस में लगा रहे हैं, तो यहाँ पर जो रेड वाला है इस वाली रिले की कॉइल के ऊपर लगा देंगे, ठीक है। और अब इसके बाद हम जो लास्ट रिले है उसके ऊपर डेफिनेटली ग्रीन वाला वायर बचा है तो वो कनेक्ट कर देंगे। तो हम यहाँ पर इसको अगेन इस पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा सोल्डर वायर लगाते हैं और इसको इस तरह से यहाँ रखकर आराम से सोल्डरिंग कर लेते हैं। चलिए, तो अब यहाँ पर ये 3 पॉइंट लगा दिया। अब जो रहा हमारा कॉमन वाइट, तो ये वाइट वाला जो वायर है ये हर एक रिले के कॉइल के दूसरे एंड से जुड़ेगा, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल तो इसको यहाँ लगा देता हूँ ताकि हमारी जो ये ग्रीन वायर वाली रिले है इसका सर्किट कंप्लीट हो जाए। ओके, इसके बाद एक वायर लेंगे और बाकी दोनों कॉइल का जो एक एंड बचा हुआ है कॉइल का उससे जोड़ देंगे, ठीक है। आई होप आपको विजिबल होगा और वीडियो में सब क्लियर दिखाई दे रहा होगा कहाँ पर हम क्या कनेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट कर कर बता सकते हैं, डेफिनेटली मैं आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दूंगा। ओके, तो यहाँ पर मैं ये येलो वायर लगा रहा हूँ, ठीक है। व्हाइट वायर मेरे पास नहीं था अवेलेबल तो हम येलो यहाँ पर लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये येलो कॉमन वायर रहेगा जो आगे व्हाइट वायर से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा वायर को यहाँ ब्रेक करके अंदर का जो है मेटल निकाल कर मैं यहाँ पर सोल्डर कर दूंगा। मैं इस तरह से यहाँ लपेट देता हूँ और फिर इसको आसानी से यहाँ पर सोल्डर कर देते हैं, ठीक है। इसे यहाँ पर सोल्डर करने के बाद चलिए, हम दो रिलेस को तो कॉमन पॉइंट से जोड़ दिया, अब इसे मैं यहाँ वाइट वायर से जोड़ देता हूँ, ठीक है, ताकि तीनों रिले तक पॉजिटिव और नेगेटिव की सप्लाई जा सके। चलिए, अब हम इसे यहाँ पर सोल्डर कर देते हैं और इसकी वायरिंग, रिले की वायरिंग, रिले की कॉइल की वायरिंग तो एटलीस्ट कंप्लीट हो चुकी है। चलिए, अब हम आपको जो है इसको टेस्ट करके बताएंगे, इसमें पावर लगा कर बताएंगे। जैसे कि मैंने आपको एलईडी स्ट्रिप जोड़ के बताया था, वन बाय वन तीनों कलर की एलईडीज वन बाय वन ग्लो होती है, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पर वन बाय वन तीनों रिले जो है एक एक करके ऑन होनी चाहिए। चलिए मैं कनेक्ट करता हूँ और अभी आप आवाज़ सुन पा रहे होंगे वन बाय वन ऑन होने की, ठीक है। अभी मैं यहाँ रिमोट में अगर रेड कलर का बटन दबाता हूँ तो केवल रेड कलर की रिले जो है वो ऑन हो जाएगी, ठीक है। और जब ग्रीन दबाऊंगा तो ग्रीन वाली और ब्लू दबाऊंगा तो बाकी ऑफ होके केवल ब्लू वाली ऑन हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से जिस कलर का बटन दबाएंगे केवल उसी कलर की रिले ऑन होगी, और अगर सभी एक साथ चलानी है तो वाइट कलर का बटन दबाएंगे, और दो दो के कॉम्बिनेशन में चलानी है तो ये बटन्स हम दबाएंगे। चलिए, अब हम इस सर्किट को जो है हमारे स्विच बोर्ड में फिक्स कर देते हैं, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, डबल साइडेड टेप लेंगे और इसको इसकी बॉडी के ऊपर, ये जो डिबिया दिख रही है आपको, इसके ऊपर यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है, ताकि इसको हम आराम से अपने स्विच बोर्ड में चिपका सकें। तो यहाँ पर एक स्विच बोर्ड हमने ऑलरेडी वायरिंग करके रेडी रखा है। यहाँ पे देखिए, तीन इसमें जो है ये 3 पिन सॉकेट्स है, ठीक है। और यहाँ पर नीचे की ओर हम इसको लगाना चाह रहे हैं सर्किट को, ताकि यहाँ से हम इसके अडेप्टर की पिन लगा सकें। ओके, तो बहुत ही आसानी से हम इसको यहाँ पर डबल साइडेड टेप की मदद से लगा देंगे और इसको इस तरह से होल्ड किया है ताकि जो पिन है इसके अंदर आसानी से लग जाए। ओके, तो इसको हम यहाँ से पावर अप कर सकते हैं, लेकिन केवल 12 वोल्ट देने से इसका काम नहीं बनेगा, हमें इसको 220 वोल्ट भी देना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो लोड है वो तो 220 वोल्ट एसी पे चलेगा ना। चलिए, तो सर्किट को पावर यहाँ 12 वोल्ट से मिल जाएगा। वैसे अगर 12 वोल्ट का आपके पास पीसीबी हो पावर सप्लाई का तो उसको इस बॉक्स में भी लगा देंगे तो भी काम बन जाएगा, लेकिन फिलहाल हम इसी अडेप्टर से इस सर्किट को पावर देना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अभी बाकी की जो ये 3 रिलेज है इनके भी यहाँ पर हम डबल साइडेड टेप लगा लेते हैं और इसको यहाँ अंदर पीसीबी पर चिपका देते हैं, सॉरी इस स्विच बोर्ड में चिपका देते हैं। ओके, तो इस तरह से डबल साइडेड टेप को हम लेंगे और यहाँ पर रिले का जो टॉप है इसके ऊपर यहाँ चिपका देंगे। तो यहाँ पर ये 2 पीसेस लिए थे हमने, दोनों को यहाँ चिपका देते हैं और फिर इसको जो है इसी डबल साइडेड टेप के दूसरे लेयर की मदद से हम इस स्विच बोर्ड पर चिपका देंगे उल्टा करके इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो है ये
सर्किट जो है अंदर फिक्स हो चुका है स्विच बोर्ड में, और अब स्विच बोर्ड से इसके कनेक्शन क्या होंगे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, देखिए मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है हम एसी की वायरिंग करने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं आपको बता दूँ, पहले जो हम ऑलरेडी वायरिंग कर चुके हैं उसमें क्या क्या है। हमने यहाँ पर ये 5 पिन सॉकेट लगाए हैं तीन, इन सभी के ऊपर एलईडी इंडिकेटर भी लगाए हैं, रेड ग्रीन और ब्लू इंडिकेटर लगाए हैं, ताकि रिमोट में जिस कलर का बटन दबाएँ उसी कलर का जो है इंडिकेटर वाला ये 5 पिन सॉकेट जो है ऑन हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए हमने जो ये रेड वायर है ये कॉमन दिया है, ये फेस का रहेगा, ये कॉमन जाएगा, और जो ये ब्लैक वाला है जो न्यूट्रल का है वो हर एक रिले के थ्रू होके जाएगा, ठीक है। ये रेड वाला देख सकते हैं कॉमन है, सब में लाइव दे दिया है, और ये ब्लैक वाले वायर तीन है जो कि न्यूट्रल के होंगे, और हाँ इन रिले के थ्रू हम न्यूट्रल को स्विच करवाने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वायरिंग सिंपल थी वैसे, कोई टिपिकल नहीं है, और यहाँ पर जो रेड वाला वायर है उसको हमने कॉमन दिया है लाइव सभी सॉकेट्स में, और ब्लैक वाला जो है वो इन रिले के थ्रू जाएगा। तो रिले के थ्रू कैसे जाएगा समझिए बात को, रिले में यहाँ सेंटर में जो पॉइंट दिख रहा है आपको ये वाला, ये पोल होता है, ठीक है। तो इस पर हम मेन जो न्यूट्रल है वो कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर हम एक ब्लैक कलर का वायर लेंगे और उसे हम इसके इन तीनों रिले के पोल पर कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। और जो आउटपुट जाएगा वो इस रिले के जो हमारा ओसी कंडीशन है, ऑन कंडीशन, उस पर जो कनेक्ट होगा उससे जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल हम यहाँ पर जो इसके पोल थे उसके पोल पर हम एक ब्लैक कलर का वायर जोड़ेंगे और उसे न्यूट्रल जो है 220 वोल्ट का वो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हमने यहाँ पर जो है न्यूट्रल का वायर इसके रिले के पोल पर कनेक्ट कर दिया है, और यहाँ पर जो देख रहे हैं बीच वाली रिले इसके टर्मिनल पर इसके पोल के ऊपर भी हम जो है यहाँ पर इसी वायर को सोल्डर कर देंगे, ठीक है। तो सोल्डरिंग आयरन से हम इसको अच्छे से सोल्डर कर देंगे। यहाँ पर ये वायर लिया, इसको बीच में से ब्रेक करता हूँ मैं, और इसके मेटल पार्ट को भी यहाँ पर हम सोल्डर कर देंगे इस प्रकार से, थोड़ा सा मोड़ लेते हैं ताकि ये यहाँ से सोल्डरिंग अच्छे से हो जाए, ओके। तो यहाँ पर रख कर हम वापस सोल्डरिंग आयरन की मदद से यहाँ पर इस कनेक्शन को फिक्स कर देंगे, ओके। इसके बाद हम जो बाकी का जो हमारा ब्लैक वायर है उसे हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं तीसरी रिले के ऊपर, जो कि ग्रीन कलर के वायर से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने वायर को ऐसे ही ब्रेक किया है, और यहाँ पर इसको मैं अच्छे से सोल्डर कर देता हूँ, ठीक है। इसको यहाँ पर इस तरह से फिक्स करके, देखिए थोड़ा सा यहाँ पर कंजस्टेड तो हो रहा है क्योंकि हम ऑलरेडी वायरिंग कर चुके हैं, और लाइव मेरे को वायरिंग भी करनी है और वीडियो भी बनाना है, इसलिए थोड़ा टिपिकल होता है बनाना, ठीक है। पर नॉर्मली आप जब जोड़ेंगे तो आसानी से जुड़ जाएगा, अभी मुझे थोड़ा सा परेशानी आ रहा है पर आपको नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सोल्डरिंग आयरन से एक और छेद हम कर लेंगे, और जो ब्लैक वाला वायर है यहाँ से हम बाहर निकाल लेंगे बहुत ही आसानी से, ठीक है। सॉरी थोड़ा सा आउट फोकस हो रहा है कैमरा हमारा, क्योंकि दोनों हाथ मेरे बिजी है इस स्विच बोर्ड की वायरिंग करने में, ठीक है। अभी ये हमारा स्विच बोर्ड है, इसमें वायरिंग कैसे करना बता दूँ, जो ब्लैक वायर है ये हर एक रिले के ओसी से जुड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी टेस्टर हमने लिया है, और आप देखेंगे कि जो नीचे वाला पॉइंट है रिले में वो कंटिन्यूटी बता रहा है, मतलब ये ऑफ कंडीशन में यहाँ जुड़ा रहता है और ऑन में यहाँ जुड़ेगा, ठीक है। तो जो रिले में ऊपर वाला पॉइंट है इसमें हर एक पर हम हमारा जो है ये ब्लैक वायर जो न्यूट्रल का है, हर 5 पिन सॉकेट के ब्लैक वायर को हम रिले के इस ऊपर वाले टर्मिनल से जो कि एसी है उससे जोड़ देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारी ये रेड वाली एलईडी है, तो रेड वाली एलईडी जो रेड वाली वायर की रिले है ना उसके ओसी से जुड़ेगी, ठीक है। तो हम सबसे पहले तो यहाँ पर थोड़ा सा सोल्डरिंग वायर हर एक रिले के ओसी पर लगा लेते हैं, उसके बाद जो है हम इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहला वायर जो है जैसा कि मैंने बताया कि रेड कलर का है, तो रेड कलर का जो सॉकेट जिसमें इंडिकेटर लगा है ना उसका जो ये न्यूट्रल, देखिए रेड कलर का एलईडी है तो इसका जो है न्यूट्रल यहाँ पर रेड कलर वाली रिले जो है सेंटर वाली उससे हम जोड़ देंगे उसके ओसी से, ओके। अब देखिए अगले ग्रीन कलर की एलईडी वाला जो सॉकेट है इसका जो न्यूट्रल वायर है ये हम जोड़ेंगे हमारे यहाँ पर ग्रीन कलर की जो रिले है, ठीक है, ग्रीन वायर पर जो रिले जुड़ी हुई है उससे हम कनेक्ट कर देंगे इस प्रकार से, ओके। और उसी प्रकार से हमारी जो लास्ट रिले है जो कि आप देख सकते हैं लास्ट जो सॉकेट है यहाँ पर ये ब्लू एलईडी के साथ है,
तो इस 5 पिन सॉकेट का जो न्यूट्रल वायर है उसे हम जोड़ देंगे यहाँ पर इस रिले से, इस रिले के ओसी से। कौन सी रिले? जो ब्लू कलर के वायर पे जुड़ी हुई है, इस रिले के ओसी से हम इसके न्यूट्रल को जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से ये हमारा सर्किट जो है कंप्लीट हो जाता है और हमारा लो कॉस्ट रिमोट कंट्रोल स्विच बोर्ड तैयार हो जाता है पूरी तरह से। ठीक है, तो देखिए इसके जो रेड वायर है ये लाइव है, सबका कॉमन लाइव है। इसको यहाँ से बाहर निकाला और अब इन वायर्स को हम एसी पावर से जोड़ देंगे 220 वोल्ट एसी से। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल वायरिंग है। आई होप समझ में आ गई होगी। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो कमेंट करके बताइए, इसी वीडियो पे मैं आपको जो है सॉल्यूशन दे दूंगा अगर कोई कन्फ्यूज़न हो आपको तो। ठीक है, चलिए स्विच बोर्ड को एक बार ऐसे ही फिक्स करते और टेस्ट कर लेते हैं। इस आईआर सेंसर को भी हम चेक करके बाहर निकाल लेंगे, फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं। ओके, अब ये जो दो वायर है इनको, ये जो अडेप्टर है ना, अडेप्टर के जो दो टर्मिनल्स होते हैं फेस न्यूट्रल वाले, उससे इन दोनों वायर्स को हम जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए इतना लंबा इसको कट कर लेते हैं। ओके, इसको हम सोल्डर कर देंगे हमारे इस अडेप्टर के ऊपर ही। ठीक है, इसके दोनों पिन पे, एक पे रेड वाला एक पे ब्लैक वाला, ताकि जो है अडेप्टर के साथ ही इसको पावर मिल जाए। ठीक है, जैसे इसको पावर देंगे वन बाय वन इसका हर एक एलईडी जो है ऑन ऑफ होता रहेगा। ठीक है, जैसे रेड बटन दबाया रेड वाली ऑन हो जाएगी, ग्रीन दबाया ग्रीन वाली, और ब्लू बटन दबाते ही ब्लू वाली, और अगर सभी को साथ में करना हो तो व्हाइट कलर का बटन दबाएंगे। ठीक है, चलिए दो का कॉम्बिनेशन, अगर रेड एंड ग्रीन चलानी है तो ये बटन दबाएंगे। देखिए रेड एंड ग्रीन दोनों एक साथ ऑन हो गए। ठीक है, ओके, और अगर हमें जो है, आप देख सकते हैं कि अगर हमें ब्लू और रेड चलानी है तो यहाँ पर ये पिंक वाला बटन दबाएंगे, ये वाला, तो देखेंगे आपकी हमारी जो है ब्लू और रेड वाली साथ में चल गई। इसी तरह से दो कलर के कॉम्बिनेशन भी यहाँ चल जाएंगे, सभी को ऑन करना हो तो व्हाइट कलर वाला बटन दबाएंगे। चलिए अब इसको जो है हम 220 वोल्ट पे कुछ लोड लगाते हैं, हमारे छोटे से ये हमारे झूमर है 220 वोल्ट पे चलने वाले, इसको जोड़ देते हैं। एक एलईडी बल्ब को भी जोड़ लेते हैं, हालांकि हमारा रिले का रेटिंग बहुत ही अच्छा है, 10 एम्पियर तक काम कर जाएगा। हम कोई फैन और ट्यूबलाइट भी आसानी से जोड़ सकते हैं, फिलहाल हम केवल इस पर जो है ये झूमर जोड़ रहे हैं। और जैसे इसको पावर देंगे, देखिए यहाँ से मैं पावर देता हूँ, और जैसे पावर देंगे आप देखेंगे कि वन बाय वन ये जो है बल्ब ऑन होने शुरू हो गए। जिस सीक्वेंस में वहाँ पर आरजीबी ऑन हो रहे थे उस तरह से ही ऑन होने लग गए। ठीक है, अब रेड बटन दबाते केवल रेड वाला जो पहला वाला बल्ब है वो ऑन हो जाएगा, रेड दबाया मैंने। अब ग्रीन दबाऊंगा तो ये बंद हो जाएगा और सेंटर वाला चालू हो जाएगा, ये देखिए। ठीक है, और अगर ब्लू दबाता हूँ तो ये भी बल्ब बंद होकर हमारा केवल लास्ट वाला जो लैंप है वो चल जाएगा। ओके, तो इस तरह से ये 3 चैनल का रिमोट कंट्रोल सर्किट बन गया। अगर वाइट दबाता हूँ तो डेफिनेटली तीनों एक साथ ग्लो करेंगे। ठीक है, तो ऑल्दो ये एक होम ऑटोमेशन का बहुत ही सस्ता सॉल्यूशन है जो आपके साइंस प्रोजेक्ट में भी बहुत बहुत काम आएगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर करेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि अगला वीडियो किस चीज़ पर देखना चाहते हैं, मैं बिल्कुल उस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, वीडियोस तो आप देखते हैं, डेफिनेटली पसंद भी आपको आते हैं, तो फिर आप कमेंट करने से क्यों चूकते हैं। ठीक है, लाइक और कमेंट कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल। डेफिनेटली मुझे 1 मिलियन तक तो जाना ही है, अभी केवल हम केवल 53,000 समथिंग पर चल रहे हैं सब्सक्राइबर पे। ठीक है, तो इसको शेयर कीजिए मेरे चैनल को अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ, और प्लीज थोड़ा सा रेटिंग बढ़ाइए मेरा। ठीक है, अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं तो व्यू टाइम थोड़ा सा इंक्रीज होगा, जो कि एवरेज व्यू टाइम बढ़ने की वजह से काफी बेनिफिट मुझे मिलेगा, और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहूंगा। ठीक है, तो चलिए ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, एक लो कॉस्ट रिमोट कंट्रोल सर्किट बनाना सिखाया है। लगभग 100 रुपए के खर्चे में आप अपने किसी भी साइंस प्रोजेक्ट को रिमोट कंट्रोल बना सकते हैं।